हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माधुरी क्रिएशन। मैं हूं माधुरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लावर पॉट बनाना बताऊँगी बॉटल का यूज करके। तो हमने ये दो बॉटल लिया हुआ है, तो हम इस बॉटल को यहाँ से और यहाँ से कट कर लेंगे। हम ऊपर और नीचे वाले लेयर को लेंगे, बीच वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे। और इस वाले बॉटल का हम यहाँ से कट कर लेंगे, हमको सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए इसका, नीचे वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे। तो चलिए कट करते हैं। ये देखिए मैंने काट लिया है। अब हम इसको ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से चिपकाएंगे, इस तरीके से। ये हम इसमें हल्का हल्का ग्लू गन लगाएंगे, ग्लू गन से ये आसानी से चिपक जाएगा। ये हम इसमें ग्लू गन लगा रहे हैं। ये देखिए ये चिपक गया है। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो सबसे पहले मैं वाइट कलर करूँ। ये देखिए इसमें वाइट कलर हो गया है। थोड़ी देर हम इसको सूखने देंगे। ये देखिए ये सूख गया है। अब हम इसमें ऊपर से इसके ऊपर रेड कलर करेंगे। ये हमने फैब्रिक रेड कलर लिया है। हम इसको अब वाइट के ऊपर से इस तरीके से रेड कलर करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया। अगर आपको डेकोरेट करना है इसको तो हमें इसमें लेस भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास स्टोन हो तो आप स्टोन भी लगा सकते हो, और अगर स्टोन नहीं है तो आप कार्ड का पतली स्ट्रिप काट करके आप कार्ड को भी इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मैंने ये देखिए ऊपर लगा चुकी हूँ, अब मैं नीचे लगाने जा रही हूँ। और अगर आपको स्टोन से इसको डेकोरेट करना है तो आप स्टोन से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्लावर पॉट बनके रेडी हो गया है। अगर आपके पास फ्लावर है तो आप इसमें फ्लावर भी डाल सकते हो। ये देखिए हमारा फ्लावर पॉट काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।